हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुहेल गिदवाल। वेलकम टू आवर चैनल गिदवाल क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेवेंथ स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर, दैट इज ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। लेट्स स्टार्ट। इन ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। लेट्स सी एंगल बाइसेक्टर होता क्या है। एंगल बाइसेक्टर मीन्स जो कि एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ओके, अब इसको ड्रॉ किस तरह से करना है हम सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमको एक एंगल दिया हुआ है, इसका मेजरमेंट हमको नहीं दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, इसका एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। किस तरह से ड्रॉ करना है, देखिए हमारे पास है कंपास। बहुत सारे बच्चों को कंपास किस तरह से यूज़ करना है ये नहीं आता है। हमने क्या किया हुआ है, कंपास में पेंसिल लगाई हुई है। देखिए ये कंपास की शार्प जो नोक है और ये हमारी पेंसिल की नोक है, एग्जैक्टली मैच होनी चाहिए। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले एक पर्टिकुलर डिस्टेंस लेना है। ये हमने एक मेजर नहीं किया हुआ है, कुछ भी एक सिंपल से डिस्टेंस लिया हुआ है। हम क्या करना है, कंपास की जो नोक होती है वो हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे रेस्ट करना है। और हमने कंपास को किस तरह से होल्ड किया हुआ है गौर कीजिए, हमें हमेशा कंपास को इस साइड, ये वाला साइड उसका होल्ड करना है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, दो साइड से पकड़ते हैं तो उसका डिस्टेंस जो है हिल जाता है। हमें क्या करना है, एक बार डिस्टेंस रखने के बाद यहाँ पर होल्ड करके इस तरह से उस पर रेस्ट करना है। अब क्या करना है, दोनों आर्म पर हमें एक छोटा सा आर्क बनाना है। ठीक है, इस तरह हमें क्या मिल रहा है, दो पॉइंट मिल रहे हैं दोनों आर्क पे। ओके, अब हमें क्या करना है, इसी डिस्टेंस को थोड़ा सा अंदाजे से बढ़ा देना है। हमने बढ़ा दिया है, अब इसको कॉन्स्टेंट रखना है इस तरह से। अब क्या करना है, ये पॉइंट पे रखो और रखकर एक आर्क बनाएंगे। इसी तरह से दूसरे पॉइंट पर रखकर भी एक और आर्क बनाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट हमें मिल रहा है, जो दोनों आर्क जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं उस पॉइंट से हमें क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमें जॉइन करना है, वो मिलेगा हमारा एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये हुआ हमारा एंगल बाइसेक्टर। ये जो दो एंगल बनेंगे, ये वाला और ये वाला, दिस टू विल बी इक्वल। ओके, इसे कहते हैं हम एंगल बाइसेक्टर। अब देखेंगे हम व्हाट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट और इसे ड्रॉ किस तरह से किया जाता है। हमें क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। चलिए हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं अंदाजे से। ठीक है, इसे नाम देता हूँ मैं ए और इसे देता हूँ बी। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, हमें क्या करना है, इसको एग्जैक्टली इसका क्या करना है, हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। इट मीन्स इसको, ये जो लेंथ है ए बी, हमें पता नहीं एग्जैक्टली कितनी है, बट इसको इक्वली पार्ट में डिवाइड करनी है और वो भी परपेंडिकुलर। ठीक है, इस देखिए हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं। अब हम क्या करना है, सेम इसी तरह से एक इससे, ये जो इसका लेंथ है इससे हाफ से भी थोड़ा सा ज़्यादा सा डिस्टेंस लेना है हमें। ओके, कंपास के अंदर ये हमें एग्जैक्टली पता नहीं है ये कितना इसका लेंथ है, तो हम क्या किए हुए, अंदाजे से इसका हाफ से ज़्यादा वाला लेंथ लीजिए। अब क्या करना है, इसी डिस्टेंस को ऊपर एक आर्क ड्रॉ करना है और एक नीचे आर्क ड्रॉ करना है। ओके, अब इस डिस्टेंस को कांस्टेंट रखते हुए हम क्या करेंगे, इस तरह यहाँ पे सेकंड पॉइंट पर रखेंगे, ऊपर एक आर्क और एक नीचे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दो पॉइंट हमें मिल चुके हैं, ऊपर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ठीक है, हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को जॉइन करना है। ये हमारा होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये वाला लेंथ जो है यहाँ से लेकर, सपोज हम इसको पॉइंट देते हैं ओ, ए ओ और ये ओ बी, ये दोनों होंगे इक्वल। इसे हम कहेंगे एंगल, सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। इस तरह से हमने एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना सीख लिया है। तो आइए अब हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल क्या है और प्रॉपर्टी ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल क्या है। तो पहले है, पहली जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है, उसमें हमें देखना है कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है। एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, क्या होता है, क्या बोल रहा है वो, जो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर्स कॉन्ग्रेंट होते हैं। कॉन्ग्रेंट मीन्स व्हाट, कि वो तीनों एंगल्स एक पॉइंट पे मैच होते हैं, एक पॉइंट पे आकर मिलते हैं। कॉन्ग्रेंट मीनिंग हमको पता है, पहले हमने देख चुके हैं, टू और मोर लाइंस पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट आर नोन एज अ कॉन्करेंट। ओके, कॉन्करेंट लाइंस। तो लेट्स सी हम ये किस तरह से मैच होते हैं देखेंगे। उसी तरह हमें क्या करना है, सबसे पहले हम पॉइंट ए, जो एंगल बन रहा है उसके, उसका बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। हमने क्या किया था, इससे पहले भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस लिया था। हमें क्या करना है, जिस एंगल के हमें बाइसेक्टर बनाना है उस पॉइंट पर रखना है और क्या करना है, दो साइड्स पर कट करना है। ये एक साइड्स पर कट किया हमने, उसी तरह से ये एक साइड पे कट किया हुआ है। ओके, अब क्या करना है हमें,
डिस्टेंस बढ़ाना है इसी डिस्टेंस को रखते हुए एक और आर्क बनाना है। यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिल रहा है, उस पॉइंट को क्या करेंगे हम पॉइंट ए से जोड़ देंगे, ये रहेगा हमारा एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए पे जो एंगल बन रहा है उसका एंगल बाइसेक्टर बन गया। उसी तरह से हमें बाकी दो वाले बनाने हैं। देखिए किस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ले लिया मैंने, फिर क्या करना है हमको इस पे और इस पे दो साइड्स पे आर्क बनाने हैं। इसी तरह हम साइड साइड इसी इसका भी कर सकते हैं सेम टाइम पे। इसको भी मैंने आर्क बनाया हुआ है, इन दोनों को आर्क बना दिया। अब क्या करेंगे पर्टिकुलर डिस्टेंस बढ़ा देंगे, फिर क्या करना है इस पहले पॉइंट पे रख के एक आर्क बनाएंगे, सेम डिस्टेंस रख के इस पे भी एक आर्क बनाएंगे। ठीक है, साथ साथ में ए सी का भी कर रहा हूँ, एंगल बी का भी, बी का भी अपन बाइसेक्टर साइड साइड ही बना रहे हैं। देखिए हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है, ओके ये भी यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे उनके अपोजिट वाले वर्टेक्स को जोड़ देंगे। इस पॉइंट के सामने वाला जो वर्टेक्स है उसे जोड़ देंगे हम, ये वाला होगा एंगल सी का बाइसेक्टर। उसी तरह से एंगल बी वाला बाइसेक्टर भी इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये वाला होगा एंगल बाइसेक्टर बी, एंगल बी एंगल का एंगल बाइसेक्टर होगा। अब ये तीनों भी एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर्स कहाँ पे मिल रहे हैं हमें, सेंटर ए पॉइंट पे मिल रहे हैं। इस पॉइंट को हम क्या करेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहेंगे, राइट। तो हमें ये क्या पता चला कि एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट, मीन्स तीनों एंगल्स के जो बाइसेक्टर हैं वो एक पॉइंट पे मिलते हैं। हम सपोज इसको पॉइंट का नाम देते हैं ओ, दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होगा, राइट। उसी तरह से अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये क्या है। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। हियर ऑल्सो क्या बोल रहे हैं वो, सारे साइड्स के, यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है, सारे साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो सारे क्या होंगे कॉन्करेंट होंगे। कॉन्करेंट मीन्स वॉट, इट विल मीट एट अ पर्टिकुलर सिंगल पॉइंट। ओके लेट्स सी, अब यहाँ पे हमें दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, एक है अक्यूट एंगल ट्राइंगल एंड एक है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है हम देखेंगे, दोनों के साइड्स के एंगल साइड्स के हमें क्या बनाना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। किस तरह से बनाते हैं हम देखिए, यहाँ पे भी हमें क्या करना है कंपास का यूज़ करना है। हम क्या करते हैं सपोज अभी हमें वाई जेड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, तो हम क्या करेंगे एक पॉइंट पे रख के इसका हाफ से भी ज़्यादा डिस्टेंस लेकर ऊपर और एक नीचे आर्क ड्रॉ करेंगे। उसी तरह से दूसरे पॉइंट पे रख के ऊपर और एक नीचे आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हमें वो जो पॉइंट मिल रहे हैं उन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। ज्वाइन किया मैंने, ये हुआ हमारा वाई जेड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसी तरह से अब हम करेंगे एक्स वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। सेम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस लेंगे ऊपर, वो ये साइड जो हमारा एक्स वाई है उसके दोनों भी अपोजिट साइड में हमें क्या करना है आर्क ड्रॉ करना है। ओके, उसी तरह से एक्स पे रख के क्या करेंगे बोथ साइड पे आर्क ड्रॉ करेंगे। अगर सपोज मैच नहीं हो रहे तो हमें क्या करना है प्रीवियस वाले आर्क को एक्सटेंड करना है और थोड़ा सा। ओके, अब मैच हो रहे हैं, हमें पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है, इन दोनों को क्या करना है हमें जोड़ देना है। ओके, अब ये जो हो रहा है ये परपेंडिकुलर है ऐसा हमको दिखाना है। जिस तरह से हम परपेंडिकुलर एंगल को किस तरह से दिखाते हैं शार्प कॉर्नर से दिखाते हैं, अभी हमारा लास्ट एक्स जेड बचा हुआ है, एक्स जेड को भी हम उसी तरह से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस लेंगे, एक्स जेड के बोथ साइड क्या करना है हमें आर्क ड्रॉ करना है। ओके, यहाँ पे भी हमें दो पॉइंट मिल चुके हैं, पॉइंट ये वाला और ये वाला। ओके, दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे। इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हमें एक पॉइंट मिल रहा है, जो कि तीनों लाइंस जो है एक पॉइंट से पास हो रहे हैं, इसी को क्या कहते हैं हम दिस थ्री आर क्या बोलेंगे इसको कॉन्करेंट लाइंस बोलेंगे, राइट। अब यहाँ पे इस तरह से हमने एक्यूट एंगल ट्राइंगल के तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए हुए हैं। अब हम करेंगे एक्यूट ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल के तीनों साइड्स के एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। देखिए इसी तरह हमें क्या करना है कंपास का यूज करना है यहाँ पे भी। अभी हम क्यू आर इस लाइन का क्या करना है इस साइड का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है।
सेम उसी तरह से ऊपर और नीचे दो साइड से हमें क्या करना है, आर्क ड्रॉ करना है। उसी तरह से ये साइड का मैं अभी करता हूँ, इधर एक आर्क ड्रॉ करूँगा, इधर एक आर्क ड्रॉ करूँगा। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एट अ टाइम तीनों साइड्स के ड्रॉ करना हो। अगर आप कन्फ्यूज़ हो जाते होंगे तो हम क्या करना है, एक एक साइड के ड्रॉ करके पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है सेगमेंट, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पहले ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद ही दूसरे साइड का करेंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये साइड हो गया, ये एक साइड हो गया। अब बचा कौन सा हमारा, पी आर का साइड बचा हुआ है। पी आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। यहाँ पे एक ड्रॉ किया आर्क और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ किया मैंने। उसी तरह से पी पे रख के क्या करना है, इधर एक आर्क ड्रॉ करना है, इधर एक आर्क ड्रॉ करना है। अब हमें क्या करना है, इस आर्क ये पॉइंट को दोनों को क्या करना है, हमें मैच ज्वाइन करना है। अब क्या करेंगे हम, ये तीनों पॉइंट, तीनों लाइंस, ये तीनों बाइसेक्टर्स जो है कहीं मीट नहीं हो रहे, तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे। जिस साइड वो मिल रहे हैं वहाँ पे, उस साइड में हम एक्सटेंड करेंगे उसको। इस साइड मैंने एक्सटेंड किया हुआ इसको, इसी तरह से इस वाले को इस साइड मैंने एक्सटेंड किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पे आउटसाइड द ट्रायंगल यहाँ पे मिल रहे हैं। यहाँ पे भी मैं इसको सपोज मैं ओ पॉइंट देता हूँ, इसको यहाँ पे भी नाम देता हूँ उसको ओ। तो हमें ये दो डायग्राम्स में क्या पता चला, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ ऑल द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कहाँ पे मिल रहा है हमें, इनसाइड द ट्रायंगल मिल रहा है। और यहाँ पे जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहाँ मिल रहा है हमें, आउट ऑफ द ट्रायंगल मिल रहा है, जो ट्रायंगल के बाहर होता है। ये हमें दो और प्रॉपर्टीज पता चले। एक और मेन क्या प्रॉपर्टी पता चली हमें, कि सारे साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स क्या होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं। और दूसरी चीज जो हमें पता चली वो कि एक्यूट एंगल में पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस अंदर में मिलता है और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बाहर की तरफ मिलता है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।